आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो 12th क्लास BST चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग जैसी वाइडर टर्म को या मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसे परफॉर्म करने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर को कौन कौन सी मेन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चार मेन एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के या मार्केट मिक्स के। पहला जो एलिमेंट है वो है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है प्रमोशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है और मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि उन सब एक्टिविटीज़ का मिक्सचर जिससे एक जो फर्म है अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में लॉन्च कर पाती है सक्सेसफुली, जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स का सेटिस्फेक्शन हो सके। तो अब इन चारों एलिमेंट का मिक्सचर ही मार्केटिंग मिक्स कहलाता है या मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है, क्योंकि ये चारों अपने आप में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड एक फर्म को जो है परफॉर्म करनी ही पड़ती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या चीज़ है? प्रोडक्ट एक फिजिकली एग्जिस्ट करने वाला कोई भी वो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसे एक सेलर जो है सेल करता है और एक बायर जो है उसे खरीदता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर नीड्स एंड वांट्स। जी, अब इस प्रोडक्ट को सिर्फ इतना डिफाइन करने से जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमें और बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं जो कि हम प्रोडक्ट मिक्स के अंडर जानेंगे। तो ये प्रोडक्ट मिक्स में क्या कह रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और आइटम विच अ पर्टिकुलर मार्केटर ऑफर्स टू द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जिसे कि हम प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट विथ कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट जो एक फर्म बना रही है वो खाली एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो बहुत सारे उसके डिफरेंट वेरिएंट्स या टाइप के प्रोडक्ट बनाती है जिसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। क्योंकि खाली एक प्रोडक्ट को बनाने से हर एक कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बाथिंग शॉप का। बाथिंग शॉप में क्या होता है? बाथिंग सोप में जैसे लक्स की एक बाथिंग सोप है, उसके डिफरेंट टाइप मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी में रोज़ की फ्रेग्रेंस है, किसी में मिल्क है, इस तरह से अलग अलग फीचर्स एक ही कंपनी लक्स के नाम से मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है और वो अपने डिफरेंट कस्टमर को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और डिफरेंट कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसे जो ये नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट है इसे हम लोग प्रोडक्ट लाइन कहते हैं और इसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो एक फर्म बना रही है उसे प्रोडक्ट विद कहा जाता है। तो अब इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट मिक्स के अंडर जो है एक फर्म जो है परफॉर्म करती है, हम वो एक्टिविटीज़ अब नेक्स्ट देखेंगे। जी, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का जिक्र जो है हमने मार्केटिंग के फंक्शन के अंडर किया था। अब ये ब्रांडिंग होता क्या है? तो इन्होंने कहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग नेम, आइटम, सिंबल और डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को फर्म के द्वारा दिया जाने वाला कोई नाम, कोई सिंबल, कोई डिज़ाइन, जिससे कि फर्म और कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, वो क्या कहलाता है? ब्रांडिंग या ब्रांड। जी, इसमें ब्रांड नेम भी होता है, ब्रांड सिंबल भी होता है, ब्रांड साइन भी होता है, जिससे कि एक फर्म और कस्टमर जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। जी, देन नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। तो इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं? इट इज़ द मार्क ऑफ अ ट्रेड कैरीड ऑन बाय द आइडेंटिफिकेशन एंटिटी। अब ये क्या होता है? इसमें पर्टिकुलरली हम लोग एक कोई साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूमा की जो कंपनी है जो शूज़ बनाती है वो पूमा नाम के जानवर का पिक्चर यूज़ करती है, एक स्टैचू यूज़ करती है अपने, या उसका फ़ोटो यूज़ करती है अपने हर एक प्रोडक्ट पर, जो कि उस फर्म का जो है आइडेंटिटी या ट्रेडमार्क है। इससे कस्टमर को पता चल जाता है जिस भी शूज़ पे या किसी और चीज़ पर पूमा बना होता है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि ये एक
पूमा कंपनी के द्वारा बनाई गई गुड्स है, और क्योंकि उस पर पूमा का मार्क जो है प्रिंट हुआ हुआ है या उसका सिंबल जो है लगा हुआ है जी। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग यानी कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए या प्रोडक्ट को इजी टू कैरी करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो पैकेजिंग कहलाती है। पैकेजिंग जो होती है वो तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट को इमीडिएट पैक करने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि हम लोग बात करें जैसे ऑयल है जो घर में हम लोग अपने यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, उसे इमीडिएट पैकिंग के लिए हमें पॉलीथीन की पैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए या ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कार्ड बॉक्स या वुडन बॉक्स की ज़रूरत होती है, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रोडक्ट की प्राइमरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है, बट सेकेंडरी प्रोजेक्ट जो पैकेजिंग है वो हर एक प्रोडक्ट की नहीं होती है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है जी। जैसे कि हम लोग बात करें, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट की तीनों तरह की पैकिंग होती है। उस पेस्ट को पैक करने के लिए हमें प्राइमरी पैकेजिंग यानी कि हमें ट्यूब की ज़रूरत होती है जिसमें उसे इमीडिएट डाल के पैक किया जाता है। फिर उसकी जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है वो कार्ड बॉक्स या पेपर बॉक्स होता है जिसमें उस ट्यूब को रखा जाता है जिसके अंदर पेस्ट है, और फिर उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की जाती है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने पैकेजिंग को भी जो है डिफाइन कर दिया है, जो कि प्रोडक्ट मिक्स के अंडर परफॉर्म होने वाली एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग से मतलब होता है, जैसे कि हमने फंक्शंस में डिफाइन किया था, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और रिलेटेड टू द फर्म इज प्रिंटेड बाय द फर्म ऑन द पैकेजिंग या पैक जिसमें वो प्रोडक्ट हम लोग या फर्म जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है या सेल कर रही है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किस डेट में बना है, किसने बनाया है, कहाँ पर बना है, उनका क्या एड्रेस है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, ये सब चीज़ लेबलिंग के अंडर आता है, जिससे कि कस्टमर को है प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो मार्केटिंग के अंडर परफॉर्म किया जाता है। प्राइसिंग से मतलब है द क्वांटिटेटिव अमाउंट अ सेलर इज चार्जिंग टू द कस्टमर, या जो कस्टमर एक चीज़ को, एक गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के बदले में जो क्वांटिटेटिव अमाउंट एक सेलर को दे रहा है वो प्राइसिंग कहलाती है जी। तो इस तरह से मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स और उसके अंडर परफॉर्म होने वाली सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया है। अब इससे आगे हम अपने जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा